हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डबल लेयर गरारे की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज़, ये गरारा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है ताकि आप किसी भी साइज़ का बना सकें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और इसको मैंने लाइनिंग के साथ बनाया है, मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है वो प्लेन जॉर्जेट है और साथ में हमारा अस्तर है। अब इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक से 3 मेजरमेंट हैं जिससे ये गरारा बन जाएगा। तो गरारा बनाने के लिए हमें अपनी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, हिप की और वेस्ट की। तो इन 3 मेजरमेंट से हमारा गरारा रेडी हो जाएगा। अब देखिए, गरारा बनाने के लिए जो हमने मटेरियल लिया है, ये मैंने 3.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो कम से कम 3.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में 2 मीटर मैंने सिल्क लाइनिंग की ली है। तो 2 मीटर हम अस्तर का यूज़ करेंगे और इसके साथ मैंने 1.5 मीटर ये लेस ली है। तो ये लेस हम गराने की नी लेंथ पर लगाएंगे, यानी जो हमारा नी राउंड होता है। सो लेस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, जिसको मैं श्रग और कुर्ती पर भी लगाऊंगी। श्रग और कुर्ती की वीडियो जो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट करूंगी, या उसका लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूंगी। तो वहाँ से आप इस गरारे के लिए कुर्ती और श्रग बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने अपना लाइनिंग वाले फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रख लेना है। तो 2 मीटर फैब्रिक को पहले हमने डबल किया, उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से 4 तय हो गई हैं। इसके बाद गरारे का अपर पार्ट के लिए जॉर्जेट वाले फैब्रिक में से मैंने ये फोर फोल्ड करके फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर रख लेंगे। फोल्ड वाली साइड दोनों की एक तरफ रहेगी और ओपन वाली साइड एक तरफ रहेगी। फोल्ड करने के बाद अस्तर की जो चौड़ाई है वो 21 इंच है, यानी 42 इंच का इसका पना था। और जो मैंने अपर पार्ट की चौड़ाई ली है वो मैंने 15 इंच ली है, यानी हिप का फुट पार्ट प्लस 5 इंच। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का हुआ फुट पार्ट 10 और 5 इंच मैंने इसमें प्लस किया, तो टोटल हो गया 15 इंच। तो 15 इंच पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब इसकी लेंथ देखेंगे। देखिए, 2 मीटर फैब्रिक है ये अस्तर वाला, तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो नीचे से हम कट करके निकाल देंगे। और अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हम अपनी कमर से लेके घुटने से 2 इंच लेंथ लेंगे, यानी घुटने से ऊपर जहाँ तक 2 इंच आता है वहाँ तक हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो इस तरह से इसकी लेंथ हो गई है। अब देखिए, यहाँ से हम अपनी कमर का मार्क करेंगे। तो कमर के मार्क के लिए हिप का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे, जो है 10 इंच, और उसमें 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो किसी भी साइज़ में आपको 3 इंच प्लस करना होगा। इसके बाद यहाँ से इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से नेफे के लिए मार्क कर लेंगे। तो मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इलास्टिक जो है वो 2 इंच चौड़ी है। इस मार्क को अब हमने सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने देखिए जो हिप का मार्क किया था ये वाला, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से 13 इंच को मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ हमने अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ मैं 12 इंच लूँगी और उसको ऊपर सीधा कर दूँगी। तो आगे की तरफ ये देख सकते हैं, कम से कम 2 से 2.5 इंच हमारा ये क्रॉच की गोलाई के लिए आया है। अब यहाँ से हमने अपने क्रॉच की गोलाई देनी है। तो ये गोलाई हल्के से देंगे, ज़्यादा गहरी नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने आगे की तरफ से 2 इंच पर एक मार्क करना है, ये वाला। अब इस वाले मार्क को हमने क्रॉच तक मिला देना है तिरछा करके, इस तरह से। इसके बाद हमने अस्तर का जो घेरा है उसकी चौड़ाई लेनी है। तो मैं इसकी चौड़ाई 18 इंच लूँगी और मार्क कर दूँगी। तो यहाँ से हमने 18 इंच लेकर मार्क करना है। अब हमने देखिए इसकी लेंथ लेनी है। तो गरारे की जितनी भी रेडी लेंथ है उतना मार्क कर देंगे, क्योंकि 1 इंच इसमें से सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, तो ये 1 इंच कम हो जाएगा मेन गरारे से। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। ये हमने नीचे गोलाई देने के लिए मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क को हमने क्रॉच को और इसको मिला देना है, इस तरह से। इसके बाद नीचे जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया है, इसको भी गोलाई देकर मिला देंगे। इससे हमारे जो इनर है उसके कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब देखिए, ये हमारे गरारे की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने गरारे की जो लेयर है वो कट करनी है, यानी हमारा जो मेन गरारा है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो पहले मैं ये किनारी कट करके निकाल दूंगी। इसके बाद हम अपने अपर पार्ट की लेंथ देखेंगे। जितनी भी हमारे अपर पार्ट की रेडी लेंथ है उसको हमने अपने गरारे की रेडी लेंथ में से माइनस कर देना है। इसके बाद जितना भी बचेगा उसको 2 में डिवाइड करेंगे, और 2 में डिवाइड करने के बाद हमने वो 2 लेयर कट करनी होंगी, यानी आधा आधा करके जितनी भी लेंथ आएगी।
अब आप मेरा मेजरमेंट देखिए, जैसे मुझे 38 इंच पर गरारा रेडी करना है तो उसमें से हमारा 16 इंच पर अपर पार्ट रेडी हो जाएगा, तो 16 इंच को हमने 38 में से माइनस करना है। इसके बाद हमारा बचा 22 इंच। अब 22 को मैं दो में डिवाइड कर लूँगी यानी 11 इंच, तो 11 इंच पर हमें ये लेयर रेडी रखनी है जिसके लिए हमने मार्जिन भी ऐड करना है इसमें। तो अभी देखिए ये फोर फोल्ड करके मैंने फर्स्ट लेयर बिछाई है और ये सेकंड लेयर भी फोर फोल्ड है, इसी तरह से जैसे हमारा टॉप पार्ट फोर फोल्ड है तो ये दो लेयर भी हमारी फोर फोल्ड करके रखी हैं। तो अपर पार्ट को हमने 16 इंच पर रेडी करना है। अभी ये फ़िलहाल नेफे के बाद से 16.5 इंच है, आधा इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा तो ये 16 इंच पर रेडी होगा। और ये हमारी फर्स्ट लेयर है तो इसको मैंने 12 इंच पर कट किया है और इसको मैंने 12.5 इंच पर कट किया है क्योंकि इसमें हमने मार्जिन भी ऐड कर लिया है 11 इंच में। तो इस तरह से हमने ये सारी लेयर को कट कर लिया है लेंथ में। तो लेंथ आपको समझ आ गई होगी। अब इनकी चौड़ाई कितनी लेनी है तो वो देख लेते हैं। देखिए अपर पार्ट के नीचे से जो चौड़ाई है वो 13 इंच है, तो फर्स्ट लेयर की जो चौड़ाई है वो मैंने 26 इंच ली है यानी 13 का डबल करके। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर की चौड़ाई ली है। अब फर्स्ट लेयर का डबल करके मैंने ये सेकंड लेयर की चौड़ाई ली है, तो सेकंड लेयर की जो चौड़ाई है वो इस तरह से मैंने 52 इंच ली है क्योंकि फर्स्ट लेयर की चौड़ाई हमारी 26 इंच थी, 26 का डबल हो गया 52 इंच। सो इस तरह से एक दूसरे से हमने डबल करके इसकी चौड़ाई ले लेनी है। और लेंथ मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, आप इसकी चौड़ाई और ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए। तो दोनों लेयर की चौड़ाई में आपको फैब्रिक बढ़ाना होगा जिसकी वजह से ये जो गैदर्स हैं वो और ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लेट्स या फिर रफली गैदर्स कुछ इस तरह से आएंगे। अब इनको जॉइंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक एक लेयर निकाल लेनी है क्योंकि ये दोनों लेग के लिए है, तो एक लेयर मैं इसमें से निकाल दूँगी और एक लेयर हम इसमें से निकाल देंगे और एक लेयर हम अपर पार्ट में से निकाल देंगे। अब मैं आपको एक लेयर जॉइन करके दिखाऊँगी कि इसको तीनों को अटैच कैसे करना होगा। अपर पार्ट के नीचे हमारी छोटी वाली लेयर आएगी जो फर्स्ट लेयर है और उसके नीचे हमारी सेकंड लेयर आएगी जो बड़ी वाली लेयर है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वाली लेयर यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं रफली गैदर बना रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो हैंड स्टिच करके भी इसमें गैदर्स बना सकते हैं या फिर बड़ी चाल करके भी इसमें सिलाई के साथ रफली गैदर्स बना सकते हैं। सो मैं यहाँ प्लेट्स के साथ ये जॉइंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये रफली गैदर्स के साथ, क्योंकि ये जो गरारा होता है इसी तरह की गैदर्स के साथ होता है। अब आगे तक हमने इसी तरह से गैदर्स डाली हैं, बाकी सब हिसाब से डालेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी चाहिए। तो इक्वली सभी गैदर्स को हमने यहाँ पर इस तरह से डाल लेना है। तो लीजिए ये हमारी गैदर्स डल चुकी हैं इस तरह से। इसके बाद हमने अपनी सेकंड वाली लेयर यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है और ये भी हम बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कोई नाप तोल नहीं की है, बस रैंडमली हम यहाँ छोटी छोटी गैदर्स डालेंगे। अब देखिए जिस तरह से मैं ये वाला पार्ट रेडी कर रही हूँ उसी तरह से हम अपना दूसरा वाला पार्ट रेडी कर लेंगे जिनकी लेयर हमने एक एक निकाल दी थी। सो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से रेडी हो जाएगा। एंड गाइज वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेकेंड लेयर भी लग चुकी है और सभी गैदर्स इक्वली आई हैं, तो ये देख सकते हैं आप दोनों लेयर हमारे यहाँ पर लग चुकी हैं। इसके बाद अब हमने देखिए जो सेकंड लेयर का घेरा है वो फोल्ड करना है, तो यहाँ से आधा इंच फैब्रिक नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। सो सेकंड लेयर का जो मार्जिन था वो मैंने 1.5 इंच लिया था क्योंकि नीचे हमारा 1 इंच फोल्ड में जाएगा। फर्स्ट लेयर में हमने 1 इंच मार्जिन लेकर 12 इंच की लेंथ पर कट किया था, लेकिन हमारी जो सेकंड लेयर है उसमें मैंने 12.5 इंच की लेंथ पर कट किया था क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिल जाएगा और 1 इंच हम नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद अब हमने देखिए जो हमारा नी लेंथ है ये हमारी फर्स्ट लेयर, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। सो यहाँ से मैं लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। लेस लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, अंदर का जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा स्ट्रेट करके लेस लगा देंगे। अब जैसे हमने ये लेस लगाई है उसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी लेस लगाकर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं, ये इनकी सीधी साइड है। अब हमने दोनों को एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है,
तो दोनों की रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और राइट साइड अंदर की तरफ। अब जो हमारे क्रॉच की गोलाई है, यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों को स्टिच कर देना है। इसके बाद हम अपना अस्तर वाला पार्ट लेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी। अब इसको भी हम क्रॉच वाली साइड से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से दोनों साइड से आधा इंच का दबाव लेकर सिल देंगे और नीचे जो इसका घेरा है वो भी आधा इंच पर हमने डबल फोल्ड करके स्टिच कर देना है। इसके बाद देखिए ये हमारा गरारा है, दोनों के क्रॉच मैंने सिल लिए हैं। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसकी इनर लेग में हमने फिटिंग लगा ली है, तो मैं फिर से दोबारा से इसको रॉन्ग साइड में ले लूँगी। इस तरह से दोनों के क्रॉच एक दूसरे के सामने आएंगे और यहाँ से बराबर पकड़ के आधा से पौन इंच का दबाव लेकर हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा देनी है इस तरह से। सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने इनर लेग में फिटिंग लगा ली है। एंड इसके बाद जो इसका अस्तर है उसको भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब इन दोनों को कमर की साइड से हमने सिलना है, जिसके लिए देखिए एक लेग इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। गरारा और इनर की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब क्रॉच के हमने सामने से पकड़ते हुए हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से एक साथ सिक्योर हो जाएंगे। अब इलास्टिक लगाने के लिए हम अपनी कमर का राउंड लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। अब जितना भी बचेगा उतनी ही लेंथ इलास्टिक की ले लेंगे और इसके बाद देखिए इलास्टिक को इस तरह से नेफे में फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पहले नेफा फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इलास्टिक इंसर्ट करके ऊपर से एक सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पर मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, सो 2.5 इंच मैंने नेफे का मार्जिन लिया था। एंड इसके बाद जो गरारे की रेडी लेंथ है वो 38 इंच है। तो बस इसी के साथ हमारा डबल लेयर गरारा रेडी हो गया है। अब आप जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं उसकी लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से लेते हुए वीडियो में दिखाए गए फॉर्मूले को आप फॉलो कर सकते हैं। तो जी अगर आपको अपने साइज़ का कोई कंफ्यूजन है अपने मेजरमेंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एंड इस गरारे के साथ जो मैंने डबल लेयर शॉर्ट कुर्ती बनाई है विद श्रग, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ। सो यहाँ से आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।